देखिए कैसे मारा ये आदमी, ये आदमी का कस्टमर होगा तो तुम्हारा बैग का तुम्हारा बैग का पुलिस की पिटाई का वीडियो पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ता है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस जो है शाम के 4 बजे स्थानीय इलाके शाहगंज इलाके में पहुंच जाती है और वहां पर जो दुकानें हैं उसको बंद करने का फरमान जारी करते हैं, और कहीं कहीं पुलिस वाले जो होते हैं वो सख्ती से सभी दुकानदारों को कहते हैं कि दुकानें बंद कर दो। लैंग्वेज में भी जरा से भी रियायत नहीं कर दी जाती है, ठेठ लैंग्वेज में सभी दुकानों को थमकाया भी जाता है। इसी बीच एक युवक जो है उसकी पिटाई पुलिस वाला कर देता है। हालांकि ये पुलिस वाला हवलदार है, लेकिन इसके वर्दी पर बैच तक नहीं है। ये तस्वीर आप खुद देख रहे हैं कि वर्दी पर बैच नहीं है, और कोई अगर हंगामा करता है, कोई किसी तरह का विरोध करता है, हालांकि आपको बता दें कि मास्क को लेकर के विरोध शुरू हुआ। जब एक युवक यहां से गुजर रहा था तो उसने मास्क नहीं पहना था, तो पुलिस वाले ने उसको मास्क के लिए पूछा, जिसके बाद कहा सुनी हुई और पुलिस वाले ने उसकी पिटाई कर दी। युवक ने जब उससे पूछा कि तुम्हारा नाम और बैच नहीं है, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया बल्कि उल्टी उसकी पिटाई कर दी। बाद में वहां पर जो लोग थे वो आक्रोशित हो गए और लोगों का गुस्सा भरा गया, जिसके बाद इस हवलदार की पिटाई लोग करने लगे। आपको बता दें कि जिस हवलदार की पिटाई की गई उस जरा उदय शंकर बताया जाता है, पटना के सुल्तानगंज थाना में तैनात ये हवलदार शाम के 4 बजे पहुंचता है और लोगों को दुकान बंद करने के लिए फरमान जारी करता है, यह भी कहने की आदेश देता है, जिसके बाद लोग एक जगह खड़े हो जाते हैं। लेकिन युवक की पिटाई होने के बाद लोग एक जगह और उल्टे पुलिस वाले की पिटाई कर देते हैं। वीडियो तो आप हर जगह देख रहे होंगे, चाहे आप बिहार के रोहतास चले जाएं, वैशाली चले जाएं, मुजफ्फरपुर चले जाएं, हर जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि लॉकडाउन के नियमों का अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो पुलिस उसे निपट रही है। लेकिन जनता भी पुलिस प्रशासन को माफी जवाब दे रही है। समझने वाली बात यह होगी पुलिस प्रशासन को, पुलिस वाले जो है जनता की सेवा के लिए होते हैं, ना कि जनता होती है। लेकिन कॉन्फिडेंट कितना होता है लोगों के पास कि जनता को जितना हो सके उतना दबाया जाए, जिसका नतीजा ये होता है कि पुलिस वाले की पिटाई हो चुकी है। अब इसके बाद कार्रवाई शुरू होती है, कार्रवाई के बाद पुलिस जो है छापेमारी कर रही है, जिससे इस पुलिस वाले को पिटा है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाशी ले रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की हरकतों से समाज में किस तरह का संदेश लग जाएगा पुलिस वालों के लिए, जो पटना पुलिस हमेशा आपकी सेवा में सदैव तत्पर का टैग लगा करके घूमती है, उसका इस तरह से विरोध होता है कि ये कहीं न कहीं प्रशासन की कार्यशैली पर और जनता में असंतुष्टि का एक सवाल खड़ा।